हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद रिद्धिमन। तो आज आप लोगों का टेस्ट है रीट लेवल 2 एसएसटी वालों का, यूनिट 2 का। यूनिट 1 का टेस्ट जो है वो हमने ले लिया था, लगभग 4,500 तक बच्चों ने जो है वो टेस्ट दिया भी था। और देखिए, ऐसे ही तैयारी जो है वो आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर यूनिट 1 में जो भी टॉपिक दिए हुए थे तो उससे संबंधित तो मैंने आपको चैप्टर भी बता दिए थे कि आरबीएससी की बुक, एनसीईआरटी की जो हमारा राजस्थान की बुक है, तो ये आपके लिए यूनिट वाइज कैसे जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, कौन कौन से चैप्टर जो है वो आपको पढ़ने होंगे। यूनिट 1 में मैंने आपको जो है आरबीएससी की बुक से ही जो है चैप्टर बताए थे, ठीक है। तो बच्चों ने याद किए और बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो सभी लेके आए हैं, वेल डन। सभी लोग जो है तैयारी इसी तरीके से करते रहें। आज यूनिट 2 का टेस्ट है मौर्य और गुप्त साम्राज्य का, जिसमें राजनीतिक इतिहास और प्रशासन संबंधी जो है क्वेश्चन है। और यहाँ पर आज 40 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और आपने टॉपिक जो है वो अच्छे से कवर कर लिया होगा। इसके अलावा 72 भारत का टॉपिक भी यूनिट 2 में ही दिया हुआ है। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना था, तो यहाँ क्लास 6 का जो है चैप्टर 19 से 21 तक पढ़ना था, क्लास 7 का जो है 15 और 16 चैप्टर पढ़ना था, इसी तरीके से क्लास 9th का केवल चैप्टर 3 पढ़ना था, और क्लास 10th का पढ़ना था चैप्टर 1, ठीक है। तो कौन सा पार्ट पढ़ना था ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पर जिन भी बच्चों ने आरबीएससी के 6 से 10th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके साथ एनसीईआरटी के साथ में जो हमारा राजस्थान की बुक चल रही है 6 से 10th तक की, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो पीडीएफ आप लोगों को मिल चुकी है वन लाइनर, जिससे कि आपका चैप्टर पूरा कवर होता है, आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आप जो है चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब भी आपका जो है ये चैप्टर कवर होगा, क्योंकि चैप्टर में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे तो वो सभी मैंने क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको दिए हैं। जितने भी पुराने बच्चे हैं सभी को इन चीज़ का पता है। तो कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हो, तो वो यही तरीका होता है। मैं आप लोगों के लिए जितना भी बेहतर हो सकता है वो करने का सोचती हूँ, जितना भी टाइम मिलता है, ठीक है। तो बच्चों की तो अलग अलग जो है इच्छाएं होती हैं, सभी की इच्छाएं जो है वो पूरी करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यदि देखें तो क्या सही रहेगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग दोबारा से जो है ध्यान में रखिए, आरबीएससी की 6 से 10 तक की जो है वो आपको पढ़नी ही है। रीट का आप देंगे तब तो आपको पढ़नी ही है, इसके अलावा सेकेंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम आपका होगा, फर्स्ट ग्रेड का जो भी बच्चे देंगे, तो ये बुक्स जो है वो आपको पढ़नी ही होती हैं, ठीक है। और रीट की यदि बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा इन्हीं बुक से जो बनकर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी थी। सभी बच्चे जो हैं जुड़ जाएं, फिर हम जो है टेस्ट स्टार्ट करेंगे। 40 क्वेश्चन जो है वो आज हम करने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी रही थी। देखिए, कुछ बच्चों के नाम जो हैं जैसे कि आशा मीना है, 30 में से 30 आए थे उनको, 30 क्वेश्चन पूछे मैंने यूनिट 1 में से, 30 में से 30 लेकर आए हैं, ठीक है। शीला कुमारी हैं, ठीक है, 26 लेके आई थी। कविता हैं, 25 लाई थी। युवराज के 30 में से 30 आए थे। सुरेश के 30 में से 29 आए थे, ठीक है। 28, 29, 30 जो हैं वो यदि आपके आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। प्रियंका के 28 आए थे, श्रीराम सैनी जो हैं, किरण हैं, योगेश के 28 आए थे, ठीक है। एटीएस पुलिस शिकर जो हैं इनके भी बहुत अच्छे आए हैं, और कई जो हैं जो कि तैयारी जो है रेगुलर करते हैं और रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है। कविता है, मनीषा यादव हैं, गौरियम हैं, दुर्गा हैं, सोनू हैं, प्रदीप हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं हर बच्चे का देखती हूँ कौन से बच्चे के जो है मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। कुछ बच्चे तो 30 में से 30 ही लेकर आते हैं, ठीक है। विजय हैं और मीनल हैं, पूजा हैं, 29 आए थे जिनके, महेंद्र के 29 आए थे। तो इसी तरीके से आपको भी जो है वो मार्क्स लेकर आने हैं। अब सभी के जो नाम मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि नाम जो है वो काफ़ी हैं और वीडियो हमारा इसी में निकल जाएगा। तो क्वेश्चन 1 देखिए, बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ, बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ, पांड्यों, चोलों, शैलेंद्रों और पल्लवों। तो इन चार में से कौन सा सही है आपका उत्तर। तो हमेशा यूनिट टेस्ट के लिए मैं कहती हूँ पेन कॉपी लेकर बैठना है, क्वेश्चन 1 लिखें, उसके आगे लिखें आपका सही आंसर, ए है, बी है, सी है या डी है। लास्ट में सभी काउंट करके और फिर मुझे बताइएगा कि 40 में से कितने आपने सही किए हैं। 35 से ऊपर तो सभी के आने ही चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आपको सारा कुछ बता दिया है मैंने। यहाँ पर यूनिट 2 का टेस्ट है आपका, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है ये भी बता दिया है, तो अब जो है वो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा, बोरोबुदुर मंदिर का निर्माण जो है वो शैलेंद्रों के संरक्षण में हुआ था, ठीक है, तो शैलेंद्रों के समय हुआ था। नेक्स्ट देखें, कौन सा कथन सही नहीं है। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ की थी, मैग्नेस्थीज की पुस्तक का नाम इंडिका है,
पल्लव राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम और नाडु में विभाजित किया था। यदि आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो है आंसर देने की कोशिश करें। चीटिंग किसी को भी नहीं करनी है कि हमने जो है ये गलत कर दिया है, इसको हम सही कर देंगे। ठीक है, याद करिए जो भी चैप्टर आपको याद नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। कवि बांधव की उपाधि बिग्रहराज चतुर्थ की थी। मैग्नस थीस की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। पल्लव राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम और नाडु में विभाजित किया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रीट के एग्जाम में आते हैं। बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है वो पता नहीं कहाँ से आए हैं। ये देखिए, आपकी आरबीएससी की बुक से ही क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी, देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है। आरबीएससी में आपको राजस्थान का जीके, इंडिया का जीके आपको पूरा मिलता है, और एनसीईआरटी में आपको इंडिया का जीके जो है वो एनसीईआरटी में, और राजस्थान का जीके के लिए अलग से बुक चली हुई है, और वो भी मैंने आपको करवाती है 6 से 10 तक। ठीक है, और 10th जो है वो आपकी चल रही है, लास्ट आपकी क्लास है वो चल रही है। तो यहाँ जो आंसर होगा, देखिए फर्स्ट जो है श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी, सही है, और ये कर्नाटक में है। कवि बांधव की उपाधि किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ की, बीसल देव कहते हैं जिन्हें। मैग्नस थीस की पुस्तिका का नाम क्या है? इंडिका है। मौर्य प्रशासन के बारे में जिस जहाँ लिखा, पल्लव राजवंश ने राज्य को राष्ट्रकूटम और ग्राम में विभाजित किया था। यहाँ पर जो नाडु है ये गलत है, ठीक है, यहाँ क्या आएगा? ग्राम। नेक्स्ट देखिए, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। उपरोक्त तो दोनों ही सही हैं या इनमें से कोई सही नहीं है? तो मैंने आपको बोला था वीडियो जो है बार बार देखिए, क्वेश्चन आंसर सीरीज बार बार पढ़िए, तो आपके सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी, और कैसा भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसका आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या था? मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो मौर्य प्रशासन में राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था वहां राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे, और ये दोनों ही सही हैं, तो आंसर जो है उपरोक्त तो दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट देखें, 4, चोल किनके सामंत थे? चोल किनके सामंत थे? पाल, गुर्जर प्रतिहार, पल्लव या मुगल? तो फटाफट से जो है इसका आंसर सोचिए कि चोल जो है वो किनके सामंत थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पल्लव। नेक्स्ट देखें, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन जो है वो थोड़ा सा व्याकुल हो गया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ कहाँ भेजा? श्रीलंका, जावा, स्वर्णभूमि और सुवर्णद्वीप, कहाँ पर भेजा था? नाम भी आपको याद रखना है कि अशोक के पुत्र का नाम महेंद्र है, पुत्री का संघमित्रा है। तो क्या रहेगा क्वेश्चन 5 का सही आंसर? तो बिल्कुल यहां पर जो सही आंसर रहेगा, देखिए लास्ट में देखूंगी किसके सही हैं, आप लोग बस लगाते जाइए फटाफट से, फोकस केवल क्वेश्चन पर और ऑप्शन पर। तो यहां पर जो सही आंसर है वो रहेगा श्रीलंका। नेक्स्ट देखिए, चोल शासक अनुयायी थे, चोल शासक अनुयायी थे शैव धर्म के, वैष्णव धर्म के, शाक्त धर्म के या जैन धर्म के? तो फटाफट से जो है आंसर लगाएं। चोल शासक किसके अनुयायी थे? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म या जैन धर्म? तो सही आंसर जो है वो आप देख लीजिए कि आपने सही लगाया है, शैव धर्म। श्रवण बेल गोला का संबंध है किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से, अशोक से, विष्णुगुप्त से या महावीर स्वामी से? श्रवण बेल गोला का संबंध किससे है?
तो क्वेश्चन 7 का सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य से। तो क्वेश्चन जो है वो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों की उंगलियों पर टिप्स पर ही याद हो गए होंगे अब तक। तो क्वेश्चन 8 है, मौर्य कालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मौर्य कालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जैसलमेर से, उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से या भीलवाड़ा से? मौर्यकालीन लोह प्रगलन भट्टियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो रहेगा जैसलमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा। राइट आंसर है उदयपुर। प्राचीन भारतीय साहित्य में किसे यवद्वीप कहा गया? प्राचीन भारतीय साहित्य में किसे यवद्वीप कहा गया? चंपा को, जावा को, कंबुज या वर्मा? तो इनके सभी के जो नाम हैं आपको याद रखने थे कि इनके वर्तमान नाम, प्राचीन नाम क्या हैं। तो जो बृहत्तर भारत का टॉपिक जो है वो आपको आरबीएससी की बुक में ही मिल रहा है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा जावा। किस शासक के समय अंकोर थोम कंबुज की राजधानी बनी? किस शासक के समय अंकोर थोम कंबुज की राजधानी बनी? जयवर्मन सप्तम, श्रेष्ठ वर्मन, सूर्य वर्मन या जयवर्मन? तो कंबोज, जिसको क्या कहते हैं, कंबोडिया। तो अंकोर थोम कंबोज की राजधानी जो है वो किसके समय बनी? जयवर्मा सप्तम के समय बनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है? कौटिल्य के द्वारा जो है इस ग्रंथ की रचना हुई अर्थशास्त्र। तो इसका संबंध जो है किस विषय से है? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र या राजनीति शास्त्र? तो कई बार मैंने जो है इसका आंसर जो है वो आपको बताया भी है। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? आपने लगा लिया है, देखिए फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ इसका सही उत्तर। मैच करिए कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का संबंध जो है अर्थशास्त्र से नहीं है, दर्शन शास्त्र से नहीं है, समाज शास्त्र से भी नहीं है। इसका संबंध किससे है? मौर्य प्रशासन की जो राजनीति है उससे संबंधित तो बुक है ये अर्थशास्त्र। ठीक है, राजनीति शास्त्र है इसका विषय। कौन सा हिंदू मंदिर इंडोनेशिया में ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है? कौन सा हिंदू मंदिर इंडोनेशिया में ब्रह्मा विष्णु महेश इनको समर्पित है? जो त्रिदेव हैं, अंकोर वाट का मंदिर, पैगन का मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर या प्रम्बनन मंदिर? तो ये भी क्वेश्चन बृहत्तर भारत से ही लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित जो मंदिर है, हिंदू मंदिर इंडोनेशिया में, वह है प्रम्बनन का मंदिर। ठीक है, अंकोर वाट के मंदिर, पैगन मंदिर, बोरोबुदुर मंदिर के बारे में आप सभी परिचित हैं। तो ऑप्शन डी ही बचता है, प्रम्बनन मंदिर। नेक्स्ट देखें, दक्षिण में हर्ष के विस्तार को किसने रोका? दक्षिण में हर्ष के विस्तार को किसने रोका? महेंद्र वर्मन ने, दंती दुर्ग ने, राजेंद्र प्रथम ने या पुलकेशिन द्वितीय ने? तो उत्तर भारत में जो राज्य थे वहां पर हर्ष ने जो है विजयी हुआ, वहां के क्षेत्रों को विजय किया। लेकिन दक्षिण में नर्मदा नदी को जब पार करता है तो उसके विस्तार को किसने रोका, वहां बढ़ने से किसने रोका? तो वह रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज थे? नालंदा विश्वविद्यालय में कितने कॉलेज थे? कहाँ है ये? बिहार में है। 4, 3, 16 और 8। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि गुप्त काल में बनता है, इसका निर्माण कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था, याद रखें। कितने कॉलेज हैं इसमें? 4 हैं, 3 हैं, 16 हैं या 8 हैं?
तो यहाँ पर ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर सीरीज में ऐसे करवाती हूँ कि आपको केवल क्वेश्चन और उसका आंसर पता होना चाहिए। तो देखते ही आप लोगों ने लगा लिया होगा कि यहाँ पर 8 कॉलेज थे, ठीक है, जिनको 8 विद्यानुरागियों ने बनवाया था। कन्नौज के धर्म सम्मेलन में कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया? कन्नौज के धर्म सम्मेलन में कौन अध्यक्ष नियुक्त किया गया? वेन सांग, फायान, इत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। इनका क्रम भी पूछा जाता है कि पहले जो है कौन आया था भारत, ठीक है। तो ये चीनी यात्री थे, वेन सांग, फायान और इत सिंह। तो कन्नौज का तो धर्म सम्मेलन है, तो ये किसके समय की बात है? हर्ष के समय की बात है, राजा हर्षवर्धन। तो कन्नौज का धर्म सम्मेलन जो कि 23 दिन तक चलता है, और इसके अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जाता है वेन स्वांग को। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ महादान समारोह कहाँ मनाया? ठीक है, राष्ट्रकूट राजा था दंती दुर्ग, बहुत ही शक्तिशाली था, इसने हिरण्यगर्भ महादान समारोह मनाया कहाँ पर? मान्यखेत में, गिरनार में, उज्जैन में या नासिक में? फटाफट से आंसर जो है इसका दे। तो आपका एग्जाम जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, तो इसको ध्यान में देते हुए यदि आपने अभी तक क्वेश्चन आंसर सीरीज नहीं पढ़ी है, वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो देखें। यदि आपने पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ लें, क्योंकि यदि आपने ये मौका छोड़ दिया तो आप जो है रीट के पेपर से बाहर हो जाएंगे, और इसका जो सेकंड पेपर है भर्ती प्रक्रिया का, जो कि आपका जनवरी में होगा, तो वह भी आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, ऐसा नहीं सोचना है कि इस बार जो है केवल पासिंग मार्क्स ही हमको लाने हैं, 90 तो आ ही जाएंगे। कई बार क्या होता है कि 90 का हम सोचते हैं, तो यदि आप एक नंबर से भी रह गए, आपके यदि 89 भी आ गए, तब भी आप फेल ही माने जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। आंसर इसका क्या रहेगा? उज्जैन। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? माघ, कल्हड़, कालिदास या अमर सिंह? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? माघ, कल्लड़, कालिदास या अमर सिंह? तो इसका आंसर क्या है? कल्हड़। अगला देखें, वियतनाम का प्राचीन नाम क्या है? वियतनाम का प्राचीन नाम क्या है? कंबोज, वर्मा, श्याम या चंपा? तो हर टॉपिक में से मैंने जो है वो क्वेश्चन यहाँ से उठाए हैं ताकि आपका पूरा टॉपिक कवर हो, ठीक है। वियतनाम का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका जो प्राचीन नाम है वह है चंपा। समुद्रगुप्त ने स्वयं को किस प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा? तो गुप्तकालीन जो साम्राज्य है उससे संबंधित प्रश्न है। समुद्रगुप्त ने स्वयं को किस प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा? मंदसौर अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 19 का सही आंसर जो है वो आपने क्या लगाया है? जो बच्चे सीरियस हैं तो वो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से याद करके आए हैं और आंसर भी देते हैं, ठीक है। और जिनको लगता है कि केवल टाइम पास करना है तो वो देखिए वो लोग टेस्ट ना दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो बाकी आप सभी समझदार हैं। इसका जो सही आंसर है वह है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। किसके द्वारा रचित है? ये हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। समुद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? समुद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? वैशाली, उज्जैन, काशी या मगध? तो सही आंसर क्या रहेगा? वैशाली, उज्जैन, काशी या मगध?
तो इसका बिल्कुल सही आंसर है, याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य कहते हैं जिन्हें, इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति या समागम बुलाई थी? अशोक ने कौन सी बौद्ध संगति बुलाई थी? दूसरी, प्रथम, तीसरी या चतुर्थ? तो क्वेश्चन 21 का जो सही आंसर है वो क्या है? अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति बुलाई। निम्न में से वे राजवंश जो कन्नौज पर अधिकार के लिए लड़े थे, ठीक है, तो कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष सभी जानते हो, सबको याद है। तो यहाँ पर चार वंश हैं, चोल वंश, पाल वंश, गुर्जर वंश और राष्ट्रकूट। तो इनमें से वो तीन कौन से हैं? त्रिपक्षीय संघर्ष तीन वंश के बीच में लड़ा गया, चोल, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट, इनमें से तीन वो कौन से हैं? ठीक है, एक गलत है। तो लर्न विद दितिमन के जरिए आपकी तैयारी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाती है, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर जो बच्चों ने परफॉर्मेंस दी थी, इतने अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेकर आए थे, तो उन सभी को मालूम है जो पहले से ही जुड़े हुए हैं कि हमको जो है वो पहले तैयारी का जो है पूरा हमको तैयार करवाया जाता है और उसके बाद हमारा टेस्ट लिया जाता है, जिस तरीके से स्कूल में छोटे छोटे बच्चों का लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? 2, 3, 4, यानी कि पाल वंश, गुर्जर वंश और राष्ट्रकूट, इन तीनों में ही जो है संघर्ष होता है और गुर्जर वंश जो है वो, गुर्जर प्रतिहार जो है वो विजयी होते हैं। ठीक है, जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प क्या है? जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प क्या है? बोरोबुदुर मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, लारो जंगरंग मंदिर या पैगन का मंदिर? देखिए कभी कभी जो है बोलते वक्त जो है कई बार होता है कि गलत निकल जाता है, तो आप लोग ही बताते हैं मुझे कि आपके द्वारा जो है ये गलत निकल गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसको मैं जो है सुधारती भी हूँ, तो यही काम आपको भी करना है। गलतियाँ जो हैं वो इंसान करता है और सुधारने का काम भी उसका ही होता है, जिससे कि आगे वो गलती वो दोबारा ना करे। ठीक है, तो देखिए आप भी टीचर बनेंगे और आपसे भी जो है वो गलतियाँ होंगी, लेकिन आपको क्या करना है, सीखना है। जावा का सबसे महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प क्या है? बोरोबुदुर मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, लारो जंगरंग मंदिर या पैगन का मंदिर? क्या रहेगा इसका सही उत्तर? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा बोरोबुदुर मंदिर, ठीक है, जो कि शैलेंद्रों के संरक्षण में बना था। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा? यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बिंदुसार। नेक्स्ट देखें, उपधा परीक्षण क्या था? उपधा परीक्षण क्या था? गुरु के समीप बैठना, गुरुकुल में प्रवेश, पुरोहित नियुक्ति हेतु चरित्र जांच या उपरोक्त सभी? एक इंपॉर्टेंट बात जो कि मुझे सभी को बतानी है, आप जो है जो भी पढ़ रहे हैं वही आप पढ़िए, आप और जो है बुक्स खरीदने की गलती ना करें, ठीक है, इधर उधर ना भटकें, बार बार वही पढ़ना है जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत आसान लगेगा आपको एग्जाम में, यदि आप इधर उधर भटकेंगे तो आप गलती करेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं उसी को आप पढ़ते रहें। आरबीएससी की 6 से 10 तक की आपको पढ़नी है क्वेश्चन आंसर सीरीज, क्योंकि चैप्टर पढ़ने का जो है अब टाइम नहीं रहा। ठीक है, इसके अलावा हमारा राजस्थान की जो है कंप्लीट आप करिएगा, 3 यूनिट आपकी जो है हमारा राजस्थान से ही है, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी लगभग आपके जो है 13-14 क्वेश्चन जो है वो आपके हमारा राजस्थान से तो आएंगे, 100% आएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरोहित नियुक्ति हेतु चरित्र जांच। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद के रचनाकार कौन है? बाण भट्ट, हर्षवर्धन, कालिदास या हरिशयन?
कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 14-15 नंबर जो है तो क्या बड़ी बात है, 14-15 नंबर जो हैं वो तो कम ही होते हैं, हम छोड़ देंगे। एक एक मार्क्स के लिए जो है ये सोचिए, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपकी सीट ले लेंगे, आपको पीछे कर देंगे। तो हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट समझना है, हर एक मार्क्स को इम्पोर्टेंट समझना है। अगर कोई यूनिट आपको, एक यूनिट जो है वो 5 मार्क्स की है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये यूनिट बहुत कठिन है मुझे नहीं करनी है, क्योंकि गलती वहीं पर होती है, ठीक है, जब हम उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है, 100% जो है वो आपको लर्न करके जाना है, तभी जो है वो आप सक्सेस होंगे। तो रत्नावली प्रिय दर्शिका नागानंद, इसके रचनाकार जो है हर्षवर्धन थे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, आत्मकथा, नाटक, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा है, लेकिन क्वेश्चन बदल दिया गया है, ठीक है, उसका जो है तरीका बदल दिया गया है, ऑप्शन भी बदल गए हैं। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो है आत्मकथा है, नाटक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है या चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है। तो ए बी जो ऑप्शन है वो तो आप बिल्कुल हटा दें, सी और डी में बताएं आप कौन सा सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। किस वंश के शासक ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की? किस वंश के शासक ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की? विजयालय, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम या पुलकेशिन द्वितीय? तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? किस वंश के शासक ने गंगईकोंड की उपाधि धारण की? विजयालय, चोल वंश के थे ये, राजेंद्र प्रथम ये भी चोल वंश के, राजराज प्रथम ये भी चोल वंश के थे, ठीक है, ये तीनों जो है वो चोल वंश से संबंधित शासक हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चोल वंश के प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम। अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। 10वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या 11वें शिलालेख? यदि आपको स्पीड जो है वो तेज लगती है तो आप जो है बाद में टेस्ट जो है कर सकते हैं, वीडियो पॉज करें और उसके बाद जो है वो आराम से करें, क्वेश्चन पढ़ें, सोचें और फिर जो है आंसर लगाएं। तो अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो इसका सही आंसर है 13वें शिलालेख से। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने कौन कौन से प्रदेश उपहार में दिए? चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने कौन कौन से प्रदेश उपहार में दिए? कांधार, इराक, हेरात और बलूचिस्तान। कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। कांधार, काबुल, ईरान और बलूचिस्तान। और कांधार, काबुल, हेरात और गांधार। क्या सही आंसर रहेगा यहाँ पर? तो क्वेश्चन 30 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा कांधार, काबुल, हेरात और बलूचिस्तान। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? इसके रचनाकार कौन है? माघ हैं, कल्हण हैं, भारवी हैं या कालिदास हैं? तो अभी हमने जो है किया था क्वेश्चन, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन थे? कल्हण। तो ये आपने कर लिया, तो ये तो किरातार्जुनीयम के रचनाकार नहीं है। बाकी आप बताइए, माघ, भारवी या कालिदास? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा भारवी। निम्न पुस्तक में मौर्य काल में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है? अर्थशास्त्र, महाभाष्य, इंडिका या कल्पसूत्र? तो हमने देख लिया अभी कि अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन का जानकारी मिलती है, ठीक है, मौर्य प्रशासन का इतिहास मिलता है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो किस में मिलता है?
तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा इंडिका। किसने लिखी? मैग्नस थीज ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने अंतिम जीवन के दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वह शासक कौन था? अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, समुद्रगुप्त था या बिंदुसार था? तो कुछ बातें तो मैं आपको बताती रहती हूँ। अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो अशोक तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब तीन जो है शासक देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या बिंदुसार। तो सही आंसर रहेगा चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र में उल्लेखित 18 विभागों को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य प्रशासन से संबंधित है क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में उल्लेखित 18 विभाग, इनको किस नाम से जाना जाता था? तीर्थ, समाहर्ता, सीता या प्रदेष्टि? अर्थशास्त्र में उल्लेखित 18 विभागों को तीर्थ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन 34 का आपने जो है ए लगाया होगा। निम्न में से मौर्य काल में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? निम्न में से मौर्य काल में राज्य का सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? राजा, अमात्य, दुर्ग या मित्र? ठीक है, तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में कितने अंग थे? सात अंग। तो जो सातवां अंग था वो कौन सा था? तो ये 10th क्लास में से ही ये जो है क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिया है। तो जो बच्चे बोलते हैं कि मैम जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, देखिए आपने जो है लगता है पहले वीडियो नहीं देखे हैं, वहां पर देखिए चैप्टर जब पढ़ाया है तो वहां डिटेल में हर चीज समझाई, क्वेश्चन आंसर जब करवाए गए तो वहां पर भी करवाई। ठीक है, यहाँ पर यदि मैं एक्सप्लेन और करने लगूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और जो बच्चे केवल टेस्ट के लिए जुड़े हैं तो उनको भी परेशानी होगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो मैं आपको बताती हुई चलती हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा मित्र। बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा या वैदिक संस्कृत भाषा? बौद्ध साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा या वैदिक संस्कृत भाषा? तो मेरा क्या तरीका रहता है कि जिस तरीके से छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि पहले पढ़ाया जाए, ठीक है, फिर उनको क्वेश्चन आंसर करवाया जाए और फिर उनसे टेस्ट लिया जाए, तो वही तरीका जो है वो सभी के लिए यदि लागू कर दिया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से तैयारी हो जाती है। ठीक है, बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी जो है वो आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर चैनल के माध्यम से आपको किसी भी तरीके का दिखावा नहीं मिलेगा। जो बच्चे जिस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं करें, चाहे वो बुक से करें फिर आप टेस्ट दें, पीडीएफ फाइल जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज वो याद करें फिर आप टेस्ट दें, ठीक है, या आपने नोट्स जो बनाए हैं उनको पढ़ के टेस्ट दें, कैसे भी जो है वो आप कर सकते हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा पाली भाषा। नेक्स्ट देखें, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या बंजर भूमि? तो क्वेश्चन 37 का आंसर क्या है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक देवी, क्या आपने पढ़ा, एक धार्मिक संप्रदाय था सीता, मौर्य काल में राजकीय भूमि से प्राप्त आय थी सीता या बंजर भूमि थी? तो इसका सही आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। किस बौद्ध ग्रंथ में बताया गया कि उस समय महाजनपद की संख्या 16 थी? अंगुत्तर निकाय, सुत्त पिटक, विनय पिटक या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके क्वेश्चन जो है रीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस बौद्ध ग्रंथ में बताया गया कि उस समय महाजनपद की संख्या जो है वो 16 थी। अब एग्जाम में कई बार क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से याद रहता है इतना आसान प्रश्न, यही भूल जाते हैं कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। जब ऑप्शन दे दिए जाते हैं 16, 17, 15, 13, बच्चे वहां भी भूल जाते हैं।
ठीक है, ऐसा हो जाता है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है और हमने चीज़ों को जो है इतना अच्छे तरीके से नहीं समझा होता है, पढ़ा होता है, तो हम गलत कर बैठते हैं। तो ध्यान दें, बार बार जो है क्वेश्चन आंसर सीरीज पढ़ना है जिससे कि आपको ये याद हो सके। तो आंसर है अंगुत्तर निकाय, और याद रखना है महाजनपद की संख्या कितनी, 16। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन थे? राजशेखर, शूद्रक, विशाख दत्त या भारवी? भारवी की रचना कौन सी थी? किरातार्जुनीयम। तो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन है? तो जितने भी रचनाएं हैं, रचनाकार हैं, उनके साहित्य से संबंधित सभी प्रश्न जो हैं वो आपको इन बुक में ही मिलेंगे। इन बुक से बाहर जो है आप ना जाएं, किसी भी तरीके की गाइड के पीछे ना पड़ें, ठीक है? जो स्कूल में बुक चलती हैं उनको ही फॉलो करें। इसका सही आंसर रहेगा राजशेखर। राजशेखर जो है किसके रचयिता हैं? कर्पूर मंजरी नाटक के। कर्पूर मंजरी क्या है? नाटक है। शक संवत किसने चलाया? शक संवत किसने चलाया? 79 ईस्वी में कनिष्क ने, 78 ईस्वी में कनिष्क ने, और 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम, या 312 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम? आज का अंतिम प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा क्वेश्चन 40 का वो रहेगा शक संवत जो है कनिष्क ने चलाया था 78 ईस्वी में, ठीक है? तो 40 में से कितने आपने सही किए हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन आंसर करवाने में बहुत मेहनत लगी है मुझे, टेस्ट लेना लेने के लिए जो क्वेश्चन आंसर बनाए जाते हैं उसमें भी बहुत मेहनत लगी है। बाकी काम आपका है अब, कि आप जो है बहुत अच्छे से मेहनत करें, ठीक है? और देखिए पीडीएफ की बात ऐसी है कि पीडीएफ जो है वो आपको इतने कम जो है उसका प्राइस रखा गया है कि मार्केट से बुक जो है वो भी आप लेकर आओगे वो भी ज़्यादा की आपको बैठेगी। आपको ध्यान में रखकर ही जो है ये सब कुछ काम किया जा रहा है, वरना अदर कोचिंग की तरह ही जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा रख दूँ तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो मेरा उद्देश्य है कि कम टाइम, कम पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप गेन कर सको, तो ये चीज़ हमेशा रहती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ यूनिट 3 का जो है टेस्ट होगा, चैप्टर आपको बता दिए जाएंगे, यूनिट 3 से संबंधित कौन कौन से चैप्टर जो है वो आप लर्न करके आएंगे बुक्स से ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके सभी के कमेंट देखूंगी, सभी को जो है कमेंट में लिखना है कितने उनके सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।